मैं रंजीत कुमार निषाद, क्लास 12th की मैथमेटिक्स, जो बिहार बोर्ड से आधारित सिलेबस है, मैं उसे पूर्णतः डिटेल से समझा रहे हैं कि किसमें कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो पहले सिलेबस में पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये दोनों चैप्टर मिलाकर 10 अंक के पूछे जाते हैं। अब चैप्टर 3 नंबर है अव्यूह और चौथा है सारणिक, ये दोनों चैप्टर मिलाकर 10 अंक के पूछे जाते हैं। पांचवा चैप्टर है संत्यता एवं अवकल्यनता, अब ये अवकलन का अनुप्रयोग। छठा चैप्टर है दोनों को मिलाकर 22 नंबर का पूछा जाता है। सातवां चैप्टर है समाकलन, 8 समाकलन का अनुप्रयोग, और 9 नंबर है अवकल समीकरण, ये तीनों को मिलाकर 22 नंबर का पूछे जाते हैं। तो संत्यता का अवकलन तथा अवकल का अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन का अनुप्रयोग और अवकल का समीकरण, ये 5 से लेकर 9 तक या कैलकुलस के पार्ट है, जिसमें टोटल या 5 चैप्टर में 44 अंक के पूछे जाते हैं। अब है सदिश एवं 3D, ये दोनों को मिलाकर 18 अंक के पूछे जाते हैं। रैखिक प्रोग्राम स्वतंत्र रूप से या 5 नंबर के पूछे जाते हैं। प्रायिकता ये भी 10 नंबर का, टोटल अंक 100 अंक का बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। से ही आधारित बनेगा। तो बता रहे हैं कि पहले जो हम बता रहे हैं आपको कि जब x पावर n का डिफरेंशिएट हो तो पावर n x पावर n माइनस 1 प्राप्त होता है। यदि x पावर n का डिफरेंशिएट पूछा जाए तो n x पावर n माइनस 1 प्राप्त होता है। यदि अचर राशि का डिफरेंशिएट हो तो वह उसका डिफरेंशिएट 0। यदि c x पावर n का डिफरेंशिएट, जो c है, c आपका अचर है, n क्या है आपका पावर, n आधार x और पावर में 1 घटा दिया जाता है, तो d/dx c n पर पावर n का होता है c n x पावर n माइनस 1। sin x का डिफरेंशिएट होता है cos x, sin x का डिफरेंशिएट होता है cos x, cos x का डिफरेंशिएट होता है माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएट होता है माइनस sin x। अब यहां tan x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएट माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएट माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएट sec x इनटू tan x, sec x का डिफरेंशिएट sec x इनटू tan x, cosec x का डिफरेंशिएट माइनस cosec x इनटू cot x। अब एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएट एक्सपोनेंशियल ही रहता है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएट एक्सपोनेंशियल ही रहता है, और a पर पावर x इनटू log x इसका डिफरेंशिएट होता है,
और log x का डिफरेंशिएट 1 बाय x होता है, log x का डिफरेंशिएट 1 बाय x होता है। हाँ, अब जब प्रतिलोम में हो अवकल, जब प्रतिलोम हो अवकलन, तो यदि dy बराबर साइन इनवर्स x, तो dy dx बराबर 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यदि y बराबर साइन इनवर्स x हो, तो dy dx बराबर 1 बाय रूट अंदर 1 माइनस, या इसको लिख सकते हैं कि dy dx साइन इनवर्स x बराबर 1 बटे रूट 1 माइनस x स्क्वायर। सेम यदि y बराबर कॉस इनवर्स x, तो dy dx बराबर माइनस रूट अंदर 1 माइनस, इसको भी लिख सकते हैं dy dx cos इनवर्स x बराबर माइनस रूट अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। यदि y बराबर tan इनवर्स x, तो dy dx बराबर 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं dy dx बराबर tan इनवर्स x बराबर 1 प्लस x स्क्वायर। अगला है, यदि y बराबर cot इनवर्स x, तो dy dx बराबर माइनस 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। यदि y बराबर sec इनवर्स x, तो dy dx बराबर 1 बटे x रूट अंदर x स्क्वायर माइनस 1। यदि y बराबर cos इनवर्स x हो, तो dy dx बराबर माइनस 1 बटे x रूट x स्क्वायर माइनस 2 प्राप्त करते हैं। एक और है, जब रूट एक्स का डिफरेंशिएट पूछा जाए, तो 1 बटे 2 रूट एक्स प्राप्त करते हैं। दो या दो से अधिक फलनों के योग और अंतर का अवकलन। यदि u प्लस v का डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स, या इसको कह सकते हैं कि u का dc सेट प्लस v का dc सेट कर सकते हैं, तो सेम प्राप्त होगा एक माइनस के रूप में। जब u माइनस v का डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी यू बटे डी एक्स माइनस डी वी बटे डी एक्स। u इंटू v का डिफरेंशिएट होता है, u को बाहर करेंगे और डी वी बटे डी एक्स प्लस भी को बाहर करेंगे और u का डिफरेंशिएट करेंगे डी यू बटे, या u को बाहर करेंगे dc सेट भी का करेंगे और भी को बाहर करेंगे dc सेट u का करेंगे। u बाय भी का डिफरेंशिएट भी को साइलेंट रखेंगे, डिफरेंशिएट डी यू बटे डी एक्स माइनस अब u को बाहर करेंगे भी का डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन भी स्क्वायर, या भी को बाहर करेंगे डीसी सेट यू का माइनस यू को बाहर करेंगे डीसी सेट भी का अपॉन भी स्क्वायर। अब आगे है, यदि एक्स बराबर फाइ तथा वाई बराबर टी, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी प्राप्त करेंगे। कुछ क्वेश्चन फंक्शन का क्वेश्चन है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस क्वाट स्क्वायर। आगे क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब प्रश्न संख्या को स्टार्ट करेंगे 5.2 अवकलन का। यदि अच्छी तरह से आप देखते हैं, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कह रहा है कि 5.2 में प्रश्न संख्या निम्नलिखित प्रश्नों में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। तो क्वेश्चन दिया है प्रथम कि साइन x स्क्वायर प्लस 5, मान लीजिए लीजिए
y बराबर साइन x स्क्वायर प्लस 5। अब किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx बराबर साइन x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चलिए, साइन x का डिफरेंशिएट cos x होता है और cos x x का स्थान पर आपका जो एंगल है x स्क्वायर प्लस 5। अब एंगल x नहीं होने के कारण x स्क्वायर प्लस 5 का भी डिफरेंशिएट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5। cos x स्क्वायर प्लस 5, अब यहां पर एक शुरू में हम पहले बताएं कि dy dx बराबर x पावर n हो तो n x पावर n माइनस 1 प्राप्त करते हैं। यहां आपका कितना हो गया, तो पावर में 2, तो 2 माइनस 1 अचर राशि का 0। इसलिए कह सकते हैं कि dy dx बराबर 2x, एक घट गया 2, और 0 से गुना करेंगे, किसी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही प्राप्त होता है। तो cos x स्क्वायर प्लस 5 प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, cos sin x। मान लीजिए y बराबर cos into sin x, किसके सापेक्ष में? तो x के सापेक्ष में। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx d by dx cos into sin x। cos x का डिफरेंशिएट माइनस साइन x होता है, लेकिन cos x में x के स्थान पर साइन x है तो इसका भी एंगल होगा साइन x। अब यहां एंगल नहीं कटने के कारण फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे, साइन x माइनस साइन इंटू साइन x, और साइन x का होता है cos x, तो इसलिए dy dx बराबर माइनस cos x इंटू साइन इंटू साइन x प्राप्त करते हैं। चलिए फिर ये क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है 3 नंबर, साइन ए एक्स प्लस बी। साइन ए एक्स प्लस बी, तो मान लीजिए वाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx sin ax plus b का डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहां पर dy dx बराबर sin x का डिफरेंशिएट cos x, लेकिन x के स्थान पर ax plus b, अब x नहीं है, फिर एंगल का डिफरेंशिएट dy dx ax plus b, अब a बाहर होगा, x का डिफरेंशिएट 1 cos ax plus b into a बाहर होगा 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0, तो कह सकते हैं इसलिए dy dx बराबर a
cos into ax plus b प्राप्त होता है। तो आप लोग को 5.2 का तीन प्रश्न को बताएं। यदि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ चुका हो तो कम से कम वीडियो को शेयर और लाल बटन